दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया की अगर बात की जाए, हर घर में आपको गैस और एसिडिटी के पेशेंट्स मिल जाते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आपको मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है दोस्तों, ये आता है कि आखिर गैस और एसिडिटी को किस तरह से कवर किया जा सकता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आपको गैस एसिडिटी बन गई तो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए मेडिसिन खाने पड़ेंगे। उनमें से कुछ फेमस मेडिसिन है, आप रेंटेक ले सकते हैं, डीएसआर ले सकते हैं, पेंटोप ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी एंटा एसिड सिर्फ अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं। लेकिन इन मेडिसिन को लेने के बावजूद भी आपकी जो एसिडिटी है बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी है। क्रॉनिक एसिडिटी का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप पिछले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल से अगर गैस या एसिडिटी की समस्या से परेशान है तो वहां पे आप इस मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको अपनी जो खाने की नली होती है वहां पे बहुत ज्यादा जलन फील होती है, आपका जो मुंह होता है उसका स्वाद हमेशा खट्टा रहता है, या फिर आपको सोरनेस फील होती है, आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है, या फिर आप वोमिटिंग कर भी देते हैं, या फिर आपको नोजिया की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हैं जिसकी वजह से उनकी चेस्ट में बर्न रहता है या फिर उनको एल्कोहल की क्रेविंग्स आती है, तो दोस्तों ऐसे पेशेंट्स को अपनी डाइट के अंदर एसिडम सल्फ नाम की मेडिसिन 200 पोटेंसी के अंदर अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी चाहिए। आप इस मेडिसिन की 5-5 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम अपनी डाइट में तकरीबन 20 से 30 दिन के लिए ऐड कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद आप अपनी गैस एसिडिटी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।